बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के सेशन नंबर 28 के अंदर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। सो सबसे पहले तो हम अपने एक्लिप्स प्रोग्राम में जाते हैं और एक जिस तरह से हमने हमारा शेड्यूल बनाया कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर ताकि हम हमारे पास एक लाइब्रेरी सी बनती जाए। तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के नाम से एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको नज़र आया। तकरीबन हमने पब्लिक पे बात कर चुके हैं, फाइनल पे बात कर चुके हैं, प्राइवेट पे बात कर चुके हैं। इसी तरीके से अभी पैकेजेस और कुछ रहती हैं इन्फॉर्मेशन, अब इस तरह पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पे बात कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर्स पे हमारी बात हो चुकी है और इनहेरिटेड से हमारी बात हो चुकी है। अब हम बात करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट की। सो सबसे पहले तो आप एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप एक यूनिवर्सिटी में हैं या स्कूल में हैं और उसका कोई प्रोग्राम आप बनाना चाह रहे हैं लेट्स सपोज, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स या डाटा इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की तो आपको रिक्वायर्ड होगी, या फीस है या जुर्माना है या इस तरह की। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप उसके अंदर काम कर रहे हैं और कोई भी इम्प्लाइज़ ही हैं लेट्स सपोज या बैंक है, उसके अंदर आप एक ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट का, इम्प्लाइज़ का या फॉर एग्जांपल आप बैंक का, तो ये एक वर्ड्स हैं जो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, फुल क्लास को, यानी कि जिसके अंदर कुछ ख़ास एट्रीब्यूट्स हैं। और फिर फर्दर आप इनको यूज़ करते हुए इनहेरिटेंस करते हैं और जिनके मदद से आप मुख्तलिफ उनकी एट्रीब्यूट्स जो कि आपके सुपर क्लास में होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबसे पहले हम इसी चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल स्कूल की बात कर स्कूल कर लें, चलें जी स्कूल बना लेते हैं और इसको हम स्कूल इंफॉर्मेशन है और इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर ली जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर रोल नंबर होगा, स्ट्रिंग नेम होगा, एस नेम होगा, इंटीजर एज होगी, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एड्रेस होगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपने आपको हर एक स्कूल में एज एक स्टूडेंट के लिए चाहिए होगी। अब अगर आपने बिलफर्ज एक मेथड बनाया हुआ है लेट्स सपोज फाइन का या कुछ इसी तरीके से, तो फाइन का मैं एक बना के और मैं रिटर्न करता हूँ उसको कि ये जब भी रिटर्न होगा तो शुरू में ये ज़ीरो में रख रहा हूँ क्योंकि हर स्कूल की मुख्तलिफ ब्रांचेस होंगी। अब मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ लेट्स सपोज न्यू जावा क्लास और फॉर एग्जाम्पल शादमान ब्रांच स्कूल कर देते हैं, स्कूल ब्रांच लेट्स सपोज स्कूल ब्रांच। अब मैं ये सारी इंफॉर्मेशन वंस अगेन नहीं लेना चाह रहा बल्कि मैं इनहेरिट करना चाह रहा हूँ इनको स्कूल से, तो ऑटोमेटिकली ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। अब मैं कुछ अपनी भी वैल्यूज रख सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग दे देते हैं, कोर्स कर देते हैं या जो भी इसका पढ़ाना है, स्ट्रिंग टीचर के नाम से कर लेते हैं, कोर्स के नाम से कर लेते हैं, इंटीजर क्रेडिट आवर्स कर लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन। और इसी तरीके से फाइन का भी एक मेथड बनाते हैं और इस स्कूल ने फाइन का रेट जो है वो समझ लें 10 रुपये रखा हुआ है। अच्छा जी, अब एक और स्कूल की ब्रांच बनाते हैं, ये भी स्कूल की ब्रांच है और इस ये डिफेंस ब्रांच है, स्कूल ब्रांच, ये भी इनहेरिटेंस कर रही है और स्ट्रिंग इन्होंने फॉर एग्जांपल
इंटीजर समझ लीजिए फ़ोन नंबर भी रिक्वायर्ड किया हुआ है और इसको इनहेरिट कर रहे हैं हम, एक्सटेंड कर रहे हैं स्कूल से। और एक इन्होंने फंक्शन फाइन का भी बनाया हुआ है और फाइन रेट इन्होंने लेट्स सपोज 50 रुपये रखा हुआ। अब ये जितने भी मेथड हमने बनाए हैं जो कि इसके अंदर हैं, ये इंटीजर फाइन, इंटीजर फाइन, ये सारे के सारे ओवरराइडिंग मेथड्स हैं। अब अगर आप मेन क्लास के अंदर एक स्कूल का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, स्कूल एस इज एस एच कर दें इज इक्वल टू न्यू स्कूल, तो आप देखेंगे कि ये एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसकी द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल एस एच इज़ नॉट यूज्ड और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द फाइन ऑफ द स्कूल, इसको मैं एस एच डॉट फाइन को यूज़ करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन कीजिए, इट विल वर्क फाइन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्कूल है तो वो ज़ाहिर है स्कूल एज इट सेल्फ तो कोई मीनिंग नहीं रखता, ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई ब्रांचेस मीनिंग रखती होंगी, जैसे कि ये शादमान ब्रांच है, शादमान स्कूल ब्रांच, तभी वो अपनी जगह पे कोई वर्क करेगी। जैसे एस एच है तो देन यू कैन सी दैट द फाइन ऑफ द स्कूल इज 10, इसी तरह से स्कूल एस एच इज इक्वल टू न्यू एस एच 2 कर लें, डी एच कर लें इज इक्वल टू न्यू डिफेंस स्कूल ब्रांच, और इसको इसी तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द फाइन ऑफ द डिफेंस ब्रांच, इसको हम डी एच डॉट फाइन कहते हैं, द फाइन ऑफ द शदमान स्कूल ब्रांच। अब आप देखेंगे कि बेसिकली ये वही वाला काम हुआ जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया, कि ये ब्रांच का एक का फाइन 10 और एक का 15 आ रहा है स्कूल। लेकिन फिर इस सूरत के अंदर इस स्कूल के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट बना, ये या ये तो मेथड्स हैं, ये वाला मेथड और ये एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रहा, ये वाले मेथड बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ इनिशियलाइजेशन ही करनी। अगर आप चाहते हैं कि जो स्कूल हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसकी फर्दर कोई इंस्टेंशिएशन ना क्रिएट हो सके, इसका कोई ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो सके, तो आप इससे पहले इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, अब आप देखिएगा कि अगर मैंने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे कि पहले मैं कर चुका हूँ, एस एच वन इज इक्वल टू न्यू स्कूल, तो यू कैन सी द एरर विल बी हियर, कैन नॉट इंस्टेंटिएट द टाइप स्कूल, उसने आपका इंस्टेंस ही क्रिएट नहीं करने दिया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि आप उसका फर्दर इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने कोई ऐसी क्लास बना दी है जिसको आप चाहते हैं कि उसका इंस्टेंस ना क्रिएट हो, बल्कि उसकी सब क्लासेज जिनको आपने इनहेरिट किया है वहाँ से वो इंस्टेंटिएट हो जाए, तो फिर हम उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और उसके लिए आपने क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। अब मैं अगर चाहूँ भी तो मैं स्कूल का एज एक इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर एक क्लास आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं की है तो उसके किसी भी मेथड को आप उस वक्त तक एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो जाती। द टाइप स्कूल मस्ट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जब तक आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे आपका मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है तो फिर आपको उसको डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। You can just only create the abstract methods
और उसके साथ आपको डेफिनेशन करने के लिए इसको ज़रूरत नहीं रहती, आप सिर्फ एक टाइप उसकी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है, दिस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट मैथड इंडिकेशन। और अगर आपने किसी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट मैथड किया हुआ है और आपने उसके अंदर वो मैथड एब्स्ट्रैक्ट वाला नहीं लिखा तो आपके कंपाइलेशन एरर होंगे और वो आपको ये कहेगा द टाइप शादमान स्कूल ब्रांच मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मैथड स्कूल डॉट फाइन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मैथड है वो एक तरह से लाजमन भी हो जाता है इनहेरिटेड क्लास के लिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। सो दिस इज़ द मेन लॉजिक और आइडिया बिटवीन बिहाइंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हम उस चीज़ वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम एक आइडिया को नहीं चाहते कि वो आगे फर्दर इंस्टेंटिएट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।